हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। गाइस, ये है मेरे पास रेडमी नोट 8 प्रो। तो मैंने इस पे जो है पहले ही आपको एक टेम्पर्ड ग्लास की वीडियो बना के दिखाई थी, बहुत सारी वीडियोस बना के एक्चुअली दिखाई थी। और यहाँ पे एक बार फिर मैं रेडमी नोट 8 प्रो के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेम्पर्ड ग्लास की वीडियो लेके आ गया हूँ। तो ये जो टेम्पर्ड ग्लास है, ये है मैट फिनिश टेम्पर्ड ग्लास जो आपको मिलता है gearwale.com पे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है और कैसा है। मैं भी बल्कि इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। तो ये जो है ये एक मैट फिनिश टेम्पर्ड ग्लास है, और इस टेम्पर्ड ग्लास की सबसे अच्छी बात यह है कि साइड वाला आपके फोन को नहीं देख पाएगा। और इसकी आप देखो क्या कहते हैं उसको, लचक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। ये बहुत ज्यादा मुड़ता है, फ्लेक्सीबल, यस याद आ गया, फ्लेक्सीबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। सो इसको लगाने के लिए सबसे पहले मुझे अपना पुराना टेम्पर्ड ग्लास हटाना पड़ेगा, जो कि था रेनबो टेम्पर्ड ग्लास, और ये मैंने गियर वाले से लिया था और वीडियो बनाई थी। तो ये जो है थोड़ा टूट गया है, मेरा फोन एक बहुत बार गंदी तरीके से गिरा था पटना में, तो उस वजह से ये मेरा डैमेज हो गया। तो अब डैमेज टेम्पर्ड ग्लास अगर आप यूज करते हैं गाइस, तो आपके फोन पे असर पड़ता है। तो मैं जो हूँ नहीं यूज करूंगा इसको, और हटा दिया मैंने। अब हम लोग इस वाले को लगाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हो मेरा फोन बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है। वाइप भी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी वाली मिलती है, अच्छी इतनी है कि मैं क्या बताऊँ, इसमें मतलब भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है। सो इस वाइप से हम लोग फोन के डिस्प्ले को बढ़िया से क्लीन कर देंगे, क्योंकि वो गंदा है, चारों साइड से गंदा हो गया मेरा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है बढ़िया से क्लीन कर देते हैं। ओके, सो ये क्लीनिंग इसका डन हो गया। ओके, क्लीनिंग डन। अब ये जो दो नंबर वाइप है, इसमें कुछ नहीं होता, बस एक टिश्यू होता है, ड्राई टिश्यू। इससे क्या करना है, वो जो लिक्विड है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको जो है इससे साफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसे बढ़िया से साफ किया है, ऐसे ही आपको करना है, बढ़िया से करना, ठीक है। और कोशिश करना कि आप जिस कमरे में ये काम कर रहे हो वो चारों तरफ से बंद हो, यानी बाहर से हवा ना आए, क्योंकि अगर हवा आएगा ना तो फिर ये सही तरीके से नहीं लगेगा, मतलब इसमें डस्ट आ जाएगा, और डस्ट हल्का सा भी आएगा तो फिर आप उसको हटा नहीं पाएंगे, वो आपको रखना ही पड़ जाएगा आपके फोन के ऊपर, ठीक है। तो जब मैं बिना टेम्पर्ड ग्लास का फोन यूज कर रहा था, तो फोन के डिस्प्ले पे स्क्रैच भी आया था, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इससे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि फोन पर स्क्रैच लगता है, तो प्लीज जो भी टेम्पर्ड ग्लास यूज करो, मतलब फोन यूज करो, टेम्पर्ड ग्लास जरूर यूज करो, चाहे कहीं से भी आप लो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे एक स्क्रैच है लगा हुआ, नहीं दिख रहा है तो जाने दो, भरोसा कर लेना। अब इसको लगाना कैसे है, तो जस्ट इसको यहां से हटाना है, पील ऑफ करना है, ओके, और इसको बाहर निकालना है, थोड़ा टाइट है ये, ओके, जीरा बाहर आ गया ये मैट फिनिश टेम्पर्ड ग्लास हमारा। इसको जस्ट फोन के नॉच के साथ मिला करके आपको रख देना है। अब आप देख सकते हो एयर निकलना स्टार्ट हो गया, थोड़ा बहुत एयर जो है बीच बीच में बचा है। इसको कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये साइड वाला जो है इसे हम लोग निकालते हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, टेम्पर को कोने से पकड़ के उठाना है, ठीक है, और हाथ मत लगाना जो इसका लिक्विड वाला हिस्सा है उस पर, ठीक है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अब इसको इस तरीके से आपको जो है प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और ओके हो गया। तो इसमें से जो है सारा एयर एजेस से निकल गया, अब ऊपर साइड में और यहाँ कोने में एक बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सो फिर से मैंने हटाया, और यहाँ से सारा एयर कैप्चर करते हुए इसको भी ले लेते हैं, ये वाला एयर भी निकाल दिया। और बस इस तरीके से जो है आपको दबाते जाना है, दबाते जाना है, ठीक है। तो सारा का सारा एयर जो है वो निकलते चला जाएगा, निकलते चला जाएगा, और निकलता चला जाएगा, और ये निकल गया। सो इस तरीके से ये क्लीन हो गया। अब आपके फोन पे मैट फिनिश टेम्पर्ड ग्लास लग गया। अब इसकी सबसे कमाल की बात, मतलब प्रूफ कि ये मैट फिनिश है कि नहीं, ये क्या है कि अब आपको इसमें आपका फेस नहीं दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी इसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा है, वही मैं अभी दूसरा जब इसको नहीं लगाया था तो मेरा फेस रिफ्लेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब स्क्रीन ऑन कर दी हमने, अब आपको दिख रहा है, लेकिन जो साइड वाला बंदा है उसको ये नहीं दिखेगा। हालांकि मुझे साइड से नहीं दिख रहा है, ये देखो लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन है, साइड में चले गए, एकदम हल्का सा दिख रहा है, बट मुझे जो है मतलब कैमरा के बाहर से मुझे ये नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको वो कैसे दिखाऊं, चलो कोई ना, इसको लॉक खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो इस टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट नहीं आएगा, फिंगरप्रिंट प्रूफ है। जैसे कि आप देख सकते हो लाइक मेरे हाथ में अभी जो है लिक्विड लगा हुआ है, मैंने लिक्विड लगा के दिखाया आपको, ठीक है। अब लिक्विड लगा, इसको साफ कर दिया, ओके, सो ये खत्म।
फिंगरप्रिंट खत्म, कोई भी फिंगरप्रिंट की दाग यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये पबजी की फोटो के साथ आता है, हालांकि इस पर पबजी नहीं लिखा हुआ है, एजी लिखा हुआ है, बॉन्ड फॉर गेमिंग। और इससे आप जो है गेम वगैरह भी बढ़िया से खेल सकते हो, काफी बढ़िया चलेगा इस पे। तो इस टेम्पर्ड ग्लास की थी वीडियो, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा अगली वीडियो, तब तक हैव अ ग्रेट डे। वीडियो चल गई तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और इस टेम्पर्ड ग्लास को परचेज करने की लिंक एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जाके खरीद सकते हैं। बाय बाय।